हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इपिका फैशन। आज हम जाने वाले हैं सरोजनी नगर मार्केट, जो दिल्ली के सबसे फेवरेट यंग गर्ल्स की फेवरेट जगह है। सरोजनी नगर मार्केट, जहां पे एक से एक क्वालिटी एंड यू कह सकते हो कि कम प्राइस में, अफोर्डेबल रेंज में हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, खास करके गर्ल्स कलेक्शंस। ओ माय गॉड, सो आज हम भी चलने वाले हैं आपको लेकर के सरोजनी नगर मार्केट। सो देखेंगे कैसा है व्यू, और इस टाइम सीजन विंटर के ख़त्म हो रहे हैं तो समर कलेक्शन आ गई है या नहीं ये भी देखेंगे, और वहाँ पे देखेंगे और क्या क्या कलेक्शंस हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, रेड कलर का लिखा हुआ है साइड में, देखना नीचे वहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब। सो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। सो लेट्स गो टू द मार्केट। या सो गाइस, हम मार्केट में इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिखा ये सुंदर सुंदर टॉप्स के कलेक्शन, और यहाँ पूरे शॉप में सेल लगी हुई थी, 150 से स्टार्टिंग थी, और बाहर ही 100 रुपीज़ के टॉप के जो कलेक्शन मुझे दिखे, ये भी काफ़ी सुंदर सुंदर टॉप्स थे, अलग अलग टाइप के। आप इसे कॉलेज वियर के भी कह सकते हो, ये कॉलेज जाने के लिए काफ़ी सुंदर सुंदर टॉप्स अवेलेबल थे भैया के पास। और यहाँ पे फिर मुझे डेनिम के जो जॉगर्स होते हैं वो मुझे दिखे, और ये इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, और इसकी 100 रुपीज़ की ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे 100 रुपीज़ की थी। उसी के बगल में भैया ने एक स्टॉल लगाया हुआ था, 150 के शॉर्ट्स थे, और अंदर शॉप में इंटर करते हैं तो 150 रुपीज़ से बूट्स भी थे। उसके आगे हम जाते हैं तो यहाँ पे विंटर के लॉन्ग जैकेट्स और सूट्स के काफ़ी सुंदर सुंदर कलेक्शन थे। यहाँ पे आप डेनिम के जैकेट्स भी अवेलेबल थे, डेनिम के काफ़ी सुंदर सुंदर कलेक्शन अवेलेबल थे सरोजनी मार्केट में। सो यहाँ पे भैया ने स्टॉल लगाया हुआ था, जिस यहाँ पे इन्होंने अपने छोटे भाई को रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे 250 रुपीज़ के सारे डेनिम के जैकेट्स थे, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। अगर आप डेनिम जैकेट ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर परचेज करना यहाँ से। ये वाइट की जो आप टॉप देख रहे हो ये काफ़ी सुंदर लुक दे रहा था, इसकी लुक काफ़ी प्रेटी लग रहा था, इसको वियर करने के बना इसका एक अलग लुक आने वाला था। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे ज्वेलरी के भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, जो 20 रुपीज़ से स्टार्टिंग थे। अगर उससे कम रेंज में जाते हो तो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, बट इन भैया के पास जितने भी कलेक्शन थे काफ़ी सुंदर थे। आगे ये आप देख रहे हो ये सारे बैंगल्स 100 रुपीज़ के सेल में थे, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, और इन्होंने भैया ने जितने भी यहाँ पे लगाए थे सारे साइजेस में अवेलेबल थे। सो हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्लीपर्स के भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। उसके आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक शॉप था, जहाँ पे शॉप पे अच्छी अच्छी क्रॉप टॉप और लहंगे की कलेक्शन थे, जो 2000 से स्टार्टिंग थे, और इसके लुक काफ़ी सुंदर। अगर आप चाह रहे हो कि अब शादी में इसको पहनना तो ज़रूर एक बार चेक करना। आगे जाते हैं तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप और स्लीपर्स के सुंदर सुंदर 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग थे। तो आगे जाते हैं तो यहाँ पे कुर्ती की सेल लगी हुई थी 200 में, यहाँ पे आपको स्मॉल साइज से लेकर प्लस साइज तक की कुर्तीज़ अवेलेबल थी। अगर आप प्रिंटेड में ढूंढ रहे हो तो प्रिंटेड में भी अवेलेबल थी, और अगर आप थोड़ी एम्ब्रॉयडरी ढूंढ रहे हो, थोड़ी अलग लुक के ढूंढ रहे हो तो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। जो इनकी क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी। मुझे मैंने यहाँ से एक कुर्ती सेट परचेज किया है, जो आपको मैं अपने अगले हॉल में दिखाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे लखनवी चिकनकारी की जो प्लाजोस थी वो भी अच्छी कलेक्शन में थी इनके पास में। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे ब्लैंकेट्स एंड पिलोस, कुशन कवर्स, कुशंस, जैसे कि काफ़ी अच्छी ह्यूज रेंज में इनके पास अवेलेबल थी। थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं तो एक भैया के पास इससे सुंदर सुंदर होम डेकोर के आइटम्स थे, जो 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग थे। ये छोटे वाले 100 रुपीज़ के 4 थे,
ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। अगर आप होम डेकोर के लिए सामान लेना तो यहाँ पे जरूर देखना, एक बार विजिट जरूर करना, क्योंकि यहाँ के जो कलेक्शन थे काफ़ी सुंदर थे और इतने अफोर्डेबल थे जो इजली आप परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू।